क्लास, कल मैंने क्वेश्चन दिए थे आप लोगों को होमवर्क में, तो कुछ बच्चे मुझसे ये वाला क्वेश्चन पूछ रहे थे, 3x² - x - 4 के शून्य ज्ञात कीजिए, जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल की आपने सत्यता की जांच भी करनी है। तो बेटा इसमें इतना कोई टफ क्वेश्चन नहीं था, फैक्टर करने आपको आने चाहिए, फैक्टर करना मैंने आपको बताया भी है कैसे करना है, फिर भी मैं बता रही हूँ एक बार। सबसे पहले हमारे पास जो द्विघात समीकरण दी है इसकी तुलना ax² + bx + c से करेंगे, तो a इक्वल आपके पास 3 आ रहा है एंड b इक्वल -1 और c इक्वल क्या आ रहा है आपके पास -4, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है पर इसके शून्यकों के गुणनफल तथा योगफल की तुलना करनी है, हमें सत्यता की जांच करनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3x² - x - 4 के गुणनखंड करेंगे। इस लास्ट और फर्स्ट डिजिट में देखिए 3 × -4 = -12, तो आपके पास और मिड में आपके पास -1 आ रहा है, तो इट मीन्स आपको दो डिजिट ऐसे लेने हैं जिनका सम कितना आना चाहिए आपके पास -1। तो 3x² - 4x + 3x - 4, तो ग्रुपिंग करेंगे, ग्रुपिंग मीन्स जोड़ा बनाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर इन दोनों में आपका x कॉमन है, तो अंदर क्या आएगा आपके पास 3x - 4, और इन दोनों पेयर्स में आपके पास कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम इसके आगे का साइन देखेंगे प्लस, यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं होता वो 1 आ जाता है, तो देन 3x - 4। अब ये वैल्यू एंड ये वैल्यू आपकी सेम आनी चाहिए, ठीक है। तो आपके पास 3x - 4 एंड दूसरे ब्रैकेट में क्या जाएगा x + 1 व्हेन 3x - 4 = 0, देन 3x = 4 एंड x = 4/3। नेक्स्ट ये आपका क्या हो जाएगा अल्फा, एंड x + 1 = 0, देन x = -1, इट इज अ बीटा, ठीक हो गया। तो फर्स्ट आपका शून्य क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट जिसको हम कहते हैं, ठीक। अब उसके बाद हमसे कह रहा है इसके योग का गुणनफल के बीच सत्यता की जांच करनी है। तो आपको मालूम है सिंस अल्फा प्लस बीटा = -b/a, तो अल्फा की वैल्यू आपकी आई है 4/3 प्लस बीटा की वैल्यू -1 एंड -b। बी देखिए आपका भी हमने यहाँ कंपेरिजन किया था, बी की वैल्यू है -1 एंड ए की वैल्यू कितनी है आपके पास देखिए यहाँ पर 3। तो आपके पास यहाँ इसके अपॉन में कुछ नहीं तो क्या मानेंगे 1, अब एलसीएम लेंगे इनका 3 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 3 एंड 4 + -3 = 3 इक्वल, इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा तो 1/3 आया आपका, यहाँ 4 में से 3 को माइनस कीजिए 1/3 = 1/3, ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, तो आपके पास अल्फा कितना है यहाँ पर देखिए अल्फा की जगह है 4/3 एंड बीटा कितना है आपके पास यहाँ पर -1 इक्वल सी, आपके पास देखिए कितना है c की वैल्यू -4 एंड a की वैल्यू आपके पास मालूम है कितना है 3, तो 4 × 4 तो -4/3, यही आपने प्रूफ करना था और इनके बीच सत्यता की जांच करनी थी, तो हमारा इनके बीच सत्यता की जांच हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। आप नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल आपको दिया है, गुणनफल दिया है, क्या दिया है देखिए, फर्स्ट डिजिट में फर्स्ट में बोल रही फर्स्ट पार्ट 1/4 - -1, यानी 1/4 आपका क्या देखा है शून्यकों का योग, पहला बार अल्फा प्लस बीटा इक्वल आपको 1/4 दिया है एंड गुणनफल कह रहा है अल्फा इंटू बीटा इक्वल आपको क्या दिया है -1। अब आपसे कह रहा है कि शून्यकों का योग तथा गुणनफल आपको क्रमशः दिया है, तो द्विघात समीकरण आपको ज्ञात करना है। तो द्विघात समीकरण ज्ञात करने के लिए
हमारे पास द्विघात समीकरण आपको मालूम है क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कि इस रूप में आपके पास। तो आपको मालूम है द्विघात बहुपद क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो हमें ये जो हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू देखी है और हमको इसके रूप में यहाँ पर ज्ञात करना है। तो आपको मालूम है कि सबसे पहले याद होना चाहिए, आपको मैं एक चीज बताती हूँ, चूंकि अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है माइनस बी अपॉन ए, फॉर्मूला याद होगा ना, अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या है, माइनस बी अपॉन ए। तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इसने हमको दे रखी है, कितनी दे रखी है, देखिए यहाँ पर 1/4, तो दिस इज 1/4 इक्वल माइनस बी अपॉन ए। अब हम इनकी तुलना करेंगे, दूसरा हमारे पास बेटा देखो दूसरा क्या है, शून्यकों का गुणनफल दिया है उसने हमें, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल क्या होता है आपके पास, सी अपॉन ए। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू उसने आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, माइनस वन इक्वल सी अपॉन ए। नाउ कंपेरिजन अब हम अगर करते हैं तो बेटा देखो यहाँ पर ये माइनस वन को हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ भी ए दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना, और यहाँ भी आपको क्या दिख रहा है, ए। ए की वैल्यू अगर हम यहाँ पर कंपेरिजन करते हैं तो ए की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 4, क्योंकि यहाँ पर बीच में इक्वल का साइन है, तो इसका डिनोमिनेटर इसके डिनोमिनेटर के इक्वल होगा, इसके न्यूमरेटर इसके न्यूमरेटर के इक्वल होगा, तो इट मीन्स इसके अपॉन में क्या दिख रहा है आपको, 4। तो यानी कि यहाँ पर हमारे पास खाली माइनस वन है, इसके अपॉन में कुछ नहीं है। तो हम इस माइनस वन को, इसको हम जो है, मैं यहाँ पर एरो लगा के बता रही हूँ आप लोगों को, आप इसको माइनस 4/4 भी लिख सकते हैं। वाई, बिकॉज अगर आप 4 से 4 को डिवाइड करते हैं तो वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, 1 ही आएगी, और यहाँ पर भी माइनस का साइन है, यहाँ पर भी माइनस का साइन आ जाएगा। तो इसलिए हम माइनस 1 को किस रूप में लिख सकते हैं, माइनस 4/4। अगर यहाँ पर 1/5 होता तो आप इस माइनस 1 को 5/5 के रूप में लिख सकते थे, ठीक है। तो यानी कि आप कंपेरिजन अगर करते हैं तो नाउ यहाँ पर लिखना, तुलना करने पर तो b इक्वल कितना आ गया बताइए, यहाँ माइनस का साइन दिख रहा होगा आपको, तो b इक्वल कितना आ जाएगा बेटा बताइए, माइनस वन, एंड a इक्वल कितना आएगा बताइए, 4, एंड c इक्वल कितना आ गया बताइए यहाँ पर, माइनस 4, ठीक है। तो अब आपके पास a कितना आया, 4, और c कितना आया, माइनस 4। तो कहाँ से आया बताइए, तुलना करने पर, मैं यहाँ पर लिख भी दे रही हूँ, तुलना करने पर। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलना करने पर, अब इक्वेशन क्या थी आपको याद है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स एंड प्लस सी। ए की जगह वैल्यू अभी निकाली हमने, कितनी आई है, 4, तो 4x² प्लस बी है, और बी की वैल्यू आपको मालूम है तुलना करने पर कितनी आई है, यहाँ देखिए यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी आई है, माइनस वन, तो माइनस वन और ब्रैकेट में क्या आएगा, माइनस वन को ब्रैकेट में लीजिए, बाहर से क्या आएगा, एक्स प्लस सी की वैल्यू क्या है आपके पास यहाँ पर, अभी आपने तुलना की है, सी की वैल्यू है माइनस 4। तो नाउ आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी बताइए, 4x² प्लस माइनस माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस 4। तो ये द्विघात समीकरण आपकी बन गई है, द्विघात बहुपद जिसको आप नहीं आया कि लिया समझ में। एक पार्ट और बताती हूँ, एक क्वेश्चन में आपको होमवर्क में दे रही हूँ, अगर आप लोगों के समझ में आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आया समझ में तो आप मुझसे कल फिर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो होमवर्क है आपके पास वही योगफल आपको दिया है, मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख दे रही हूँ क्योंकि आप हो सकता है आपके यहाँ बुक हो, अगर नहीं है मैं तब भी लिख दे रही हूँ। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको दे रखी है √2। क्वेश्चन यही है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः अल्फा प्लस बीटा इक्वल √2 एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल आपको कितना दिया है, 1/3। इसने आपको दो ये क्वेश्चन दे रखा है, मैं एक ही क्वेश्चन दे रही हूँ आज होमवर्क में आप लोगों के लिए, काफ़ी है इतना, अगर नहीं आएगा आप मुझसे फिर से पूछ लीजिएगा, ठीक है।